हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने जो करा था वो हमने करा था टाइम स्पीड डिस्टेंस। मैंने उसको उसके आपको मैंने दो टॉपिक बताए, एक तो सिंपल टाइम स्पीड डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं वो फॉर्मूला वगैरह बेस्ड, और दूसरा मैंने आपको बताया कि मीटिंग पॉइंट के केसेस को किस तरह से सॉल्व करने हैं। इस पे और भी कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, रेस टाइप के या और ज्यादा। वो मैं आपके लिए ना खुद ही ज्यादा वो नहीं बर्डन नहीं बना रहा, क्योंकि ये एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन ही आएगा मैक्सिमम, तो इतना टाइम मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप उनको याद रखें। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में 16-17 होने हैं तो वो आप उसको प्लस वन कर सकते हैं, अगर इजी क्वेश्चन आया होगा तो। टफ होगा तो उसे हमने वैसे भी नहीं करना, क्योंकि वो कम से कम हमारा 2-2.5 मिनट ले लेगा। तो अब बात करते हैं हम अपने नए टॉपिक की, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है रिलेटिव स्पीड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड का। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, जैसे हमने पहले किया था। सपोज केस वन, अगर मैं आपको बोलूं कि दो चीजें हैं वो एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, एक की स्पीड ए है और एक की स्पीड बी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी ए प्लस बी, जब वो अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हो। सॉरी अगर मैंने पहले सेम बोल दिया, एक डायरेक्शन ए डायरेक्शन से, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक स्पीड कोई बी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ए प्लस बी। केस टू क्या होता है इसमें, कि अगर सपोज दो ट्रेन ही एग्जांपल के तौर पे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं ए और बी स्पीड से, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी ए माइनस बी। ये मैंने मॉडल लगाया कि इसमें साइन का इतना फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन इस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपने एग्जाम में, अगर आपने पहले टॉपिक देखा है तो आपको पता होगा कि जिसमें लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना या प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड करना, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि इसमें मैक्सिमम कितने केसेस बनेंगे। ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल बता दिया, जब याद रखने के लिए अब आप अपने दिमाग में रखें, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब एड, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट। इसमें एक और केस आता है वो मैं बाद में बताऊंगा, या फिर वो मैं बाद में ना ही बताऊं तो बेटर, वो कंफ्यूज करेगा आपको। पहले तो आ गया ये। अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इतना क्लियर है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यहां पर जो हमें देखने को एक चीज मिलेगी क्वेश्चंस में, उसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग टाइम। वो किसके इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल होगा, जैसे कि अगर मैं यहां पे पूछूं टाइम क्या होगा हमारा, डिस्टेंस टाइम हो जाएगा हमारा स्पीड। अगर मैं टाइम यहां ले जाऊं, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पे क्या होगा हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट अपॉन रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूला को याद करने का सिंपल सा रूल सिंपल है, यहीं से ये ड्राइव होकर आया है, इसकी वर्डिंग चेंज करके मैंने ये लिख दी अभी तक। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आगे मैं आपको जो केसेस आएंगे वो बताऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें ही आपको एक और चीज को याद रखना है, वो मैं चलो पहले आपको केसेस बता देता हूं उसके बाद बताऊंगा। सपोज अगर मैं कहूं कि कोई एक ट्रेन है, केस वन, केस वन में अगर मैं आपको कहूं कि एक ट्रेन है जो कि एक एक्स स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और कोई एक मैन यहां पर स्टैंडिंग स्टेशनरी खड़ा है, नहीं मूव कर रहा। अगर आपको वहां पे आएगा कि क्रॉसिंग टाइम फाइंड करें, वो क्या होगा, मैंने आपको सबसे पहले बताया सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ट्रेन की कोई लेंथ होगी
बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मैन की लेंथ होगी वो कंपेयर टू ट्रेन निग्लिजिबल होगी, तो यानी कि यहां पर क्या आएगा, जीरो। अपॉन में मैंने आपको क्या कहा था, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड अगर मैं बोलूं, मैन मैंने आपको बोला कि वो मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि, और ये अकेला मूव कर रहा है, तो जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी वो यही होगी, तो यानी कि इसका क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन एक्स। ये है हमारा केस वन, इतना आपको क्लियर है। अगर मैं यहां बात करूं केस टू की, कि एक ट्रेन एक्स स्पीड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और एक आदमी वाई की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां पर अगर मैं पूछूं कि इनके बीच का क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, तो इसके बीच का क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, आपको याद, आपको मैंने बताया लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ नेग्लिजिबल होगी, सिर्फ ट्रेन की लेंथ। लेकिन अगर यहां पे हमें कुछ मेंशन है तो हम उसे नेग्लिजिबल नहीं काउंट करेंगे। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों जा रहे हैं तो क्या होती है, रिलेटिव स्पीड एट, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड हमारी क्या आएगी, एक्स प्लस वाई। ये आ गया हमारा केस टू, इतना क्लियर है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, केस थ्री। सपोज एक ट्रेन एक्स डायरेक्शन में जा रही है और ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, यहां पे अगर मैं पूछूं कि कितने टाइम में ट्रेन उसको क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, यहां पर हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, क्यों, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, यहां पे आएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि प्लेटफॉर्म नहीं चलता, वो किसी स्पीड से नहीं चलेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, तो यहां पे जो हमारी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड वो होगी एक्स। इसलिए मैं आपको केसेस बता रहा हूं कि कितने केसेस बन सकते हैं और कितने केसेस में हम कर सकते हैं। अब बात करूं मैं एक और केस की, कि सपोज लेंथ ऑफ हमें केस में गिवन है कि दो ट्रेन है, वो एक दूसरे की तरफ जा रही है एक्स और वाई की स्पीड से। अगर यहां पे अगर मैं पूछूं तो वहां पे क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ अपॉन टू, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन प्लस एक्स अपॉन वाई, ये आ जाएगा हमारा क्रॉसिंग टाइम। सेम अगर मैं बोलूं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव टाइम क्या, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस, अपोजिट में जा रही है तो एड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना जो ऊपर है वो हमेशा सम ही होगा, जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये सम ही रहेगा, बाकी रिलेटिव स्पीड के मैंने आपको केसेस बता दिए, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। अब इन क्वेश्चंस को करना किस तरह से हम वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चंस पे ही आते हैं, इजी सा क्वेश्चन लिया है। अब आपको मैं जो एक चीज बतानी थी वो ये कि जो आपको याद रखनी है वो होगी हमें यूनिट किस में दी है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है और जो लेंथ है वो मीटर्स में है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमें किसके बराबर देगा वैल्यू, मीटर पर सेकंड में। सिमिलरली अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाना है तो हमें करना होगा 18/5 से, ये हमें देगा किलोमीटर पर आवर। ये दो याद रखना, मैंने किस तरह से याद रखे मैं आपको बता देता हूं। अल्फाबेटिकली के पहले आता है तो के को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 छोटा है, और एम बाद में आता है तो एम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मीटर को जब किलोमीटर में बनाना है तो 18 से, किलोमीटर को जब बनाना है वो 5 से, अपने जैसे भी आप याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रॉसिंग टाइम पूछा है एक पोल को क्रॉस करने का। हमें पता है कि पोल स्टेशनरी होगा, वो नहीं मूव करेगा, और पोल की लेंथ भी नेग्लिजिबल होगी। क्रॉसिंग टाइम पूछा है, ट्रेन की लेंथ गिवन है हमें 300 मीटर, स्पीड हमें गिवन है और यही हमारी क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि उसकी कोई स्पीड होगी नहीं, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने आवर में पूछे हैं सेकंड में। इसको मैं अगर बोलूं कि 54
किलोमीटर पर और कितने मीटर पर सेकंड होंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, यानी कि 5/18 3, ये गया 100 और ये आया हमारा 20 सेकंड। सेकंड किस तरह से है मैं बता दूं, ये मीटर अपॉन सेकंड होगा तो ये यहां से ऊपर चला जाएगा, मीटर मीटर का कैंसिल आउट, तो ये हमारा आंसर। पहले एग्जांपल क्लियर है, जिनको पहले एग्जांपल क्लियर है वो दूसरी को पहले एक बार खुद ट्राई करें। इसमें क्या बोला है कि दो ट्रेन इक्वल लेंथ की जा रही है सेम डायरेक्शन में। सेम में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट में क्या होता है, ऐड। स्पीड कितनी गिवन है, 46 किलोमीटर पर और दूसरी की कितनी गिवन है, 36 किलोमीटर पर और। यहां पे बोला है जो फास्टर है वो शोर को पास करती है 36 सेकंड में, और लेंथ ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। हम क्या करेंगे, हम बना देंगे एक ट्रेन जा रही है हमारी 46 किलोमीटर पर और की स्पीड में, दूसरी हमारी जा रही है 36 किलोमीटर पर और की स्पीड में। क्रॉसिंग टाइम इन्होंने हमसे पूछा है, क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, सम, यानी कि लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, और यहां पे हमें गिवन है कि दोनों की लेंथ इक्वल है। अपॉन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन है यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, इतना हमें क्लियर है ये। अब एक और चीज यहां पे सेकंड्स में गिवन है, तो बेटर रहेगा कि हम इसे भी सेकंड में कन्वर्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करके करें या जैसे मर्जी। 36 सेकंड इज इक्वल टू एल प्लस एल, क्योंकि लेंथ हमारी दोनों इक्वल है तो हम इसे दोनों को एक ही रखेंगे, और ये आ गया 10। अब यहां पे क्या था, ये किलोमीटर पर और, किलोमीटर पर और को जब मीटर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18। हम इस पूरे को यहां ले जाएंगे, 36 इंटू 10 इंटू 5, ये जो 18 होगा ये यहां चले जाएगा, तो ये यहां से यहां कैंसिल आउट 2, यानी कि 5 to 10, 10 into 10, एक सेकेंड सॉरी वेट, ये एल प्लस एल ट्वाइस एल हो जाएगा, 5 और ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा 50 मीटर हमारी ट्रेन की लेंथ। इतना क्लियर है आपको। इसमें जो चीजों का ध्यान रखना है, एक वो देना है कि रिलेटिव स्पीड किस तरह से निकालनी है, अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, और दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि इसमें किस यूनिट में इन्होंने पूछा है हमसे क्वेश्चन में। कई बार हम आवर्स में निकाल लेते हैं लेकिन आंसर हमारा मीटर्स में होता है, तो ये ध्यान रखना है ऑप्शंस के बीच में। बात करते हैं अब हम एक और चीज की, एवरेज स्पीड और के दो फॉर्मूला होते हैं डायरेक्ट। अगर हमें दो की इन्होंने स्पीड गिवन है यहाँ पे, अगर हमें एक्स और वाई स्पीड गिवन है और एग्जाम में आता है हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, सपोज हमें किसी ने कहा कि एक की स्पीड हमारे 10 गिवन है, दूसरे की हमें 20 किलोमीटर पर और गिवन है, फाइंड इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने यहां पर लिखा है, 10 to 20 into 40/3, ये जो होगी ये इसकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। और अगर तीन क्वांटिटी गिवन हो तो उसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब लेकिन मैं आपको एक और चीज से करवाऊंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा कि अगर आपको नहीं फॉर्मूला याद तो किस तरह से हम इसे करेंगे। यहां पे हमें गिवन है कि एक कार ट्रेवल कर रही है 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड 10 किलोमीटर पर और, जो नेक्स्ट 1/3 कर रही है वो कर रही है 20 किलोमीटर पर और की स्पीड से, और जो लास्ट 1/3 कर रही है वो और कर रही है 60 किलोमीटर पर और की स्पीड से। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज स्पीड ऑफ कार, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है अगर तीन क्वांटिटी गिवन है आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, 3 into 20 into 10 into 60 upon xy, यानी कि 10 into 20 प्लस 20 into 60 प्लस 60 into 10, 6 1 6 2 12, 3 36, 1 2 3 0 अपॉन, ये आ जाएगा हमारा 200 प्लस 1200 प्लस 600, यानी कि 3600 अपॉन 12 और 6 18,
12, 6, 18, 2, 20 तो ये कैंसिल आउट, ये आ गई हमारी 18 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। लेकिन मैं आपको इसका एक और मेथड बताऊंगा कि अगर इनके आपको फॉर्मूला याद नहीं है एग्जाम में तो आपको किस तरह से करना है। हमने एवरेज का वो क्या पढ़ा था, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, इतना ही था। और एवरेज स्पीड का अगर मैं आपको बता दूं क्या होगा, वो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इतना क्लियर है। यहां पे इन्होंने हमें बोला है कि तीन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है एक कार, कितने टाइम में, कितनी स्पीड में, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, 20 और 60, यही गिवन है हमें एग्जाम अभी क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि यार टोटल डिस्टेंस तो मैं निकाल दूंगा d+d+d, लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, सिंपल है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एवरेज अगर हमसे पूछी है, टोटल डिस्टेंस 3d अपॉन d अपॉन s, यानी कि पहला उसको टाइम कितना लगा, इतना, फिर इतना, और तीसरे टाइम इतना, टोटल टाइम इतना ही लगा। सिंपल है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम आएगा हमारा 60 20, इसका एलसीएम होगा 60 ही, यहाँ पे 60 प्लस 3d प्लस d ऊपर 3d, 60 ये ऊपर चला जाएगा, 3d into 60 upon 639 plus 110d, ये हो जाएगा 180d upon 10d, d कैंसिल, 10 और ये कैंसिल, आंसर 18। टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको मैं बता रहा हूं, काफी मेथड ऐसे हैं जो करने जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको जो बताया ये उनके लिए कि आप इजी वे में इन्हें कर पाए बिना टाइम वेस्ट किए। इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर को, टाइम स्पीड डिस्टेंस में करने के लिए काफी कुछ है, मैं एक एक चीज करवाऊंगा, लेकिन अभी उसके लिए सही टाइम नहीं है। मैं आपको 5-7 वीडियोस अगर अभी दे दूं आप खुश हो जाओगे कि यार ये काफी सारी चीजें सीख ली, लेकिन जब 21 को एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे आप मेरे को ही आके गालियां निकालेंगे कि ये तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो बेटर है कि जितना मैं बता रहा हूं आप उसे याद रखें, काफी है आपको एग्जाम में +1 या +2 मार्क्स दिलाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम पे, तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ ये चैप्टर करेंगे खत्म। ओके गाइस।